नमस्कार दोस्तों, मैं धवन टेक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इंस्टाग्राम के ऊपर हमें एक बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसकी मदद से हम इंस्टाग्राम पोस्ट को या फिर इंस्टाग्राम स्टोरी को इंस्टाग्राम की एड कैंपिंग के ऊपर प्रमोट कर सकते हैं। आपने काफी बार पोस्ट स्क्रॉल करते टाइम देखा होगा कि कुछ स्पॉन्सर्ड करके पोस्ट देखने को मिलती है, या फिर स्टोरी के अंदर भी हमें कुछ स्पॉन्सर्ड स्टोरी कभी कभी दिखाई देती है। ये लोग क्या करते हैं कि इंस्टाग्राम एड कैंपिंग पर प्रमोट कर देते हैं। अब दोस्तों, बात यह आती है कि जब आप प्रमोट करते हैं तब आपके इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर काफ़ी अच्छा रीच मिल जाता है, काफ़ी अच्छे फॉलोवर्स मिलते हैं। बट यहाँ पर एक ट्विस्ट है, और ट्विस्ट ये है कि एड कैंपिंग के थ्रू सिर्फ और सिर्फ पोस्ट और स्टोरी को ही प्रमोट किया जाता है। अगर हमें इंस्टाग्राम रील्स को एड कैंपिंग के ऊपर प्रमोट करना है तो वो ऑप्शन इंस्टाग्राम के ऊपर अवेलेबल नहीं है। आज इस वीडियो के अंदर आपको एक गुड न्यूज़ देने वाला हूँ कि किस तरीके से आप इंस्टाग्राम रील्स को इंस्टाग्राम एड कैंपिंग के थ्रू प्रमोट कर सकते हैं। काफी गजब का वीडियो होने वाला है, काफी अच्छा वीडियो होने वाला है। अगर आप एक रील्स क्रिएटर है तो वीडियो को आखिर तक देखो। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों, मधुवन टेक यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको सोशल मीडिया से रिलेटेड ऐसे ही गजब की वीडियोस इस चैनल पर देखने को मिलती रहेगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इंस्टाग्राम एड कैंपिंग सिर्फ और सिर्फ पोस्ट स्टोरी को ही प्रमोट करने की अनुमति देता है। रील्स प्रमोट करने का कोई हमें ऑप्शन अभी तक देखने को नहीं मिला है, लेकिन इंस्टाग्राम अब एक ऐसा अपडेट लेकर आने वाला है जिसकी मदद से आप रील्स को भी प्रमोट कर सकेंगे इंस्टाग्राम ऐप के अंदर ही। हालांकि कुछ कुछ लोग अभी भी रील्स को प्रमोट कर देते हैं, बट वो गलत तरीके से प्रमोट करते हैं। करते क्या है कि जो है रील्स को इंस्टाग्राम स्टोरी के ऊपर शेयर कर देते हैं, देन फिर स्टोरी को ही बूस्ट कर देते हैं, प्रमोट कर देते हैं, देन सोचते हैं कि भाई हमारा रील्स प्रमोट हो गया। नहीं ब्रो, आप बहुत गलत कर रहे हैं। ये सिर्फ आपने स्टोरी को प्रमोट किया है, रील्स को नहीं। कुछ लोग फेसबुक एड मैनेजर करके जो है एक एड कैंपिंग आता है उसके थ्रू प्रमोट कर देते हैं, वो बिल्कुल सही तरीका है। फेसबुक एड कैंपिंग के थ्रू आप प्रमोट कर सकते हैं। बात यहां पर इंस्टाग्राम ऐप की अंदर की बात करें तो वो रील्स को प्रमोट नहीं कर पाते हैं, लेकिन अब एक गजब का अपडेट इंस्टाग्राम लेकर आया है कि आप रील्स को प्रमोट कर पाएंगे। मैं आपको बता दूं, आप यहां पर सर्च करो इंस्टाग्राम फॉर बिजनेस, देन एक वीडियो यहां पर जो है पोस्ट किया गया है, इसके अंदर बताया गया है कि रील्स को कैसे प्रमोट किया जाता है। पूरी डिटेल इस वीडियो के अंदर दी गई है। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूं कि आखिर किस तरीके से जो है आप रील्स को प्रमोट कर सकते हैं, उसका क्या क्या कंडीशन है। फिलहाल ये अपडेट मुझे अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, मुझे रील्स बूस्ट करने का ऑप्शन नहीं मिला है, बट मैं आपको गाइड कर देता हूं। कुछ ही टाइम में आपको ये रील्स बूस्ट करने का, रील्स प्रमोट करने का ऑप्शन इंस्टाग्राम ऐप के अंदर ही देखने को मिल जाएगा। देन काफी अच्छे रीच और एंगेजमेंट आप अपने रील्स वीडियो के ऊपर लेकर आ सकते हैं। वैसे स्टोरी और जो है पोस्ट को कैसे प्रमोट करते हैं, उसका दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के ऊपर दिया हूं। काफी गजब की मैंने प्रॉपर दो वीडियो लाइव प्रूफ के साथ बताए हैं, तो वो आप देख सकते हैं। फिलहाल दोस्तों, कुछ जो है टर्म्स एंड कंडीशन रहती है अगर आप जो है इंस्टाग्राम एड कैंपिंग पर प्रमोट करते हैं तो। वैसे स्टोरी और पोस्ट का तो मैंने उन वीडियोस के अंदर बता दिया है, रील्स का अभी बता देता हूँ कि आपका वीडियो जो है 60 सेकंड से कम का होना चाहिए। अगर 60 सेकंड प्लस का होगा तो आपका रील्स प्रमोट आप नहीं कर सकते। इसके अलावा जो इसका रेटियो रहता है वो 9:16 वाला होना चाहिए, यानी कि फुल स्क्रीन वाला होना चाहिए, तभी आप रील्स को प्रमोट कर पाएंगे। तो अब जो है कुछ इलिजिबल में आपको बता देता हूँ कि अगर आपका जो रील्स है इसके ऊपर रील्स का ही कोई म्यूजिक लगा हुआ है, उसके अंदर कोई GIF फाइल है, या फिर इसके ऊपर आपने कुछ स्टिकर को इस्तेमाल कर दिया है, या फिर फिल्टर का इस्तेमाल किया है, या फिर आपका जो रील्स रिकमेंडेशन टू फेसबुक ऐसा ऑप्शन होता है वो इनेबल है, तो फिर अगर आप इतना सारा आप कर चुके हैं तो आप रील्स को प्रमोट नहीं कर पाएंगे। ये है इसके टर्म्स एंड कंडीशन। बाकी आप इजीली जिस तरीके से पोस्ट को प्रमोट करते हैं बिल्कुल वैसे ही अब रील्स को भी प्रमोट कर पाएंगे। वैसे ये अपडेट रोल आउट हो चुका है, आने वाले कुछ ही टाइम में सभी यूजर्स को मिल जाएगा। देन भैया, रील्स के ऊपर गजब का आप ट्रैफिक लेके आ सकते हैं इंस्टाग्राम एड कैंपिंग के थ्रू। वैसे जब मुझे ये अपडेट रिसीव होगा आपके लिए प्रॉपर डेडिकेट वीडियो लेकर आऊंगा कि किस तरीके से प्रमोट किया जाता है। फिलहाल एक न्यूज निकल कर आई थी तो मैंने आपके साथ जस्ट शेयर कर दिया, क्योंकि काफी सारे लोग अक्सर बोलते रहते हैं कि भाई पोस्ट और स्टोरी को तो हम प्रमोट कर दिए बट रील्स को प्रमोट कैसे करें। तो इसका सॉल्यूशन एक ही था, फेसबुक एड मैनेजर, बट वो इन ऐप नहीं होता है, बाहर ब्राउजर से होता है, बट ये जो है इन इंस्टाग्राम ऐप के अंदर ही होगा, बहुत इजी हो गया है। तो वेट करिए अपडेट का, मैं आपके लिए बहुत जल्द इसके ऊपर डेडिकेट वीडियो लेकर आऊंगा पूरा लाइव प्रूफ के साथ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। फिलहाल आपने इस वीडियो को यहां तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।